नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पिता का देहांत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार किसका होगा, क्या सिर्फ बेटे का होगा या सिर्फ बेटी का होगा, क्या मृतक के भाई बहन या रिश्तेदारों का होगा, क्या संपत्ति का बंटवारा होगा, यदि बंटवारा होगा तो किस आधार पर किसके हिस्से में कितनी संपत्ति आएगी। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2005 से पहले यह होता था कि पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति बेटे को मिल जाती थी, मगर हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 में जो कानून बना था उसके तहत बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया जा रहा है। मगर इस फैसले की सुई यहां पर अटकी थी कि यदि पिता का देहांत 2005 के पूर्व होता है तो संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया है, यदि 2005 के पूर्व भी पिता का देहांत होता है तो उसके बेटे और बेटियों में ही समान रूप से संपत्ति का विभाजन किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि पिता के बेटे ना हो सिर्फ बेटी हो तो क्या संपत्ति सिर्फ बेटी को ही दी जाएगी। तो हम आपको ये बता देते हैं कि हाँ, बेटा न होने पर बेटी को ही सारी संपत्ति दी जाएगी, और पिता अपने जीते जी अपने मन से अपनी संपत्ति किसी को नहीं दे सकता, मतलब किसी एक के नाम पूरी वसीयत नहीं कर सकता, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। इस फैसले के बाद से लड़कियां समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हो सकेंगी, और यह सही भी है क्योंकि लड़कियां अपने घर की लाडली होती हैं और जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आप ये न्यूज फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।